Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 7 Continued. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you the simplified accounting processes for JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers. We are in Chapter 7 and we are going to discuss about Basel II Accord in India, Section 7.4. We have private banks, public sector banks, which have a large share, उनका share काफी बड़ा है, cooperative banks भी हैं, India में regional rural banks भी हैं, एक और sector जो India में banking में एक constructive role play कर रहा है, वो है foreign banks. अगर हम Indian banking system को देखें, उसके अंदर continuous changes आ रहे हैं, movement traditional banking से digital banking की तरफ हो रहा है, वन स्टॉप बैंकिंग की तरफ हो रहा है, इंश्योरेंस, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रही हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग बैक ऑफिसेज में भी ट्रांसफ़र हो रही है. द एंटायर सिनेरियो तेज़ी से चेंज हो रहा है. इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कॉन्टीन्यूसली इंडियन बैंकिंग का ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन के साथ साथ. तो ग्लोबलाइजेशन से बैसल टू अकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन भी तेजी से इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बढ़ रहा है. वर्ल्ड ने कैपिटल एडिक्वेसी के लिए 8% का नॉर्म रखा है. आरबीआई ने इंडियन बैंक्स के लिए 9% का नॉर्म रखा है. रिस्क बेस्ड सुपरविजन इंट्रोड्यूस कर दिया है. बैंक्स को एनकरेज किया जा रहा है कैपिटल एडिक्वेसी. कैपिटल एडिक्वेसी के साथ साथ रिस्क बेस्ड सुपरविजन भी इंक्रीज किया जा रहा है. इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में पिलर वन और पिलर टू दोनों का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेंथन किया जा रहा है. एज फार एज पिलर थ्री इज कंसर्न्ड, डिस्क्लोजर को भी एनकरेज किया जा रहा है. आरबीआई लगातार इंफॉर्मेशन बैंक से कलेक्ट कर रही है जिससे कि रिस्क मैनेजमेंट बेटर किया जा सके. सेक्शन 7.6 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजनिंग का प्रावधान किया जा रहा है. नॉर्म्स सेट कर दिए गए हैं फॉर असेट क्लासिफिकेशन एंड एडिक्वेट प्रोविजनिंग. बैंक्स हैव बीन एडवाइज स्ट्रिक्टली एनपीए आइडेंटिफाई किया जाए, एनपीए के लिए एडिक्वेट प्रोविजनिंग की जा सके, की जानी मैंडेटरी है. ये सब चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, दीज आर एज अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. इंडियन बैंक्स के अंदर फंड बेस्ड प्रोविजनिंग भी है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट जो एक्सटेंड किया जा रहा है उसके अगेंस्ट भी प्रोविजनिंग का पूरा प्रावधान है. फ्रेंड्स, फंड बेस्ड प्रोविजनिंग वो होती है जहां हम लोन्स एंड एडवांसेस में फंड्स बिजनेसमैन या बिजनेस एंटिटी को देते हैं उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग की जाती है. नॉन फंड बेस्ड प्रोविजनिंग वहाँ होती है जहाँ लेटर ऑफ गारंटी या बैंक गारंटी दी गई है, जो कि एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. उस कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो पॉसिबल है या हो सकता है ना पॉसिबल हो, उस कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट भी प्रोविजनिंग करना मैंडेटरी है. इससे इन प्रोविजनिंग से जो इंडियन बैंक्स है दे हैव बिकम मोर रेजिलिएंट. अगर कोई भी लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को वो उस शॉक को बैंक्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डिबैकल नहीं करते. आरबीआई हैज डायरेक्टेड बैंक्स को स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच करना है क्रेडिट रिस्क के लिए, यानी क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, मार्केट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन अप्रोच और ऑपरेशन रिस्क के लिए बैंक्स को फॉलो करना है इंडिकेटर अप्रोच. एज पर द बैसल टू रिकॉर्ड
अकॉर्ड, हाई रिस्क के लिए हायर वेटेज होना चाहिए और रिटेल लोन्स के लिए जो 75% का वेटेज है वो लोअर साइड में है. आरबीआई हैज टोल्ड बैंक्स नॉट टू हैव अक्यूमुलेटेड लॉसेस. लॉसेस को कैपिटल फंड के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाए, ऐसा आरबीआई चाहता है. फ्रेंड्स, हम चैप्टर को रिकैप करते हैं. फाइनली, बेसल अकॉर्ड या बेसल कमेटी का मेन पर्पस है बैंकिंग रेगुलेशन करना और सुपरवाइजरी को स्टैंडर्डाइज करना. इसकी शुरुआत 1975 में हुई हर्सेट बैंक के डिबैकल के साथ, जब जर्मन गवर्नमेंट ने उसके ऑपरेशंस को रोक दिया, जिससे सेटलमेंट इंटरनेशनल लेवल पर ब्रेक डाउन कर गया. इसके तुरंत बाद एक इंटरनेशनल कमेटी फॉर्म हुई, जिसे बाद में बेसल अकॉर्ड के रूप में कहा गया, और इसके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी पे थॉट शुरू हुआ. 1980s के अंदर जितने भी बैंक्स थे उनमें कई बैंक्स फेल कर गए, जिससे क्योंकि जो कंट्रीज जो हैविली टैक्स लोन लोडेड कंट्रीज थी उन्होंने लोन देने से मना कर दिया, लोन रिफंड करने से मना कर दिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज ने. इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूएस फेडरल बोर्ड दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, जिसके अंदर कैपिटल एडिक्वेसी एंड सुपरविजन के स्टैंडर्डाइजेशन पे बात हुई. इनको इनके गुड परफॉर्मेंस से G10 की सभी कंट्रीज जो टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया. 1999 तक वर्ल्ड ओवर इस स्टैंडर्डाइजेशन की बेसल अकॉर्ड के बारे में फेमिलियरिटी बढ़ती चली गई. 5 साल के एफर्ट के बाद 2004 में बेसल टू अकॉर्ड फाइनलाइज हुआ, जिसके अंदर कैपिटल एडुकेसी और सुपरवाइजरी कंट्रोल्स पर बात हुई. इसको 2006 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसका एडवांस अप्रोच 2007 में एग्जीक्यूशन में आया मोस्ट ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बेसल टू अकॉर्ड के 3 इंटरडिपेंडेंट पिलर्स हैं. पहला है कैपिटल एडिक्वेसी. फ्रेंड्स, हमने देखा बेसल टू अकॉर्ड 3 रीइंफोर्सिंग पिलर्स पर बेस्ड है और इन तीनों पिलर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन, किस तरह से रिस्क को कम किया जा सके. पहला पिलर है कैपिटल एडिक्वेसी. एडिक्वेट कैपिटल हमें अवेलेबल करवाना है बैंक्स के अंदर, जिससे वो अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड रिस्क या जोखिम उनको टेक केयर किया जा सके. इसके लिए 3 रिस्क के बारे में बात करता है. क्रेडिट रिस्क, लोन वापस आने का रिस्क, मार्केट रिस्क जिसके अंदर बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क, प्रोसेसेस और नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से जो रिस्क हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क. इन तीनों रिस्क के लिए प्रोविजनिंग करनी है, जिससे एडिक्वेट कैपिटल से कवर अप किया जा सके. सेकेंड पिलर है सुपरवाइजरी कंट्रोल या मॉनिटरिंग. एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन हो रहा है, उसको मॉनिटर किया जाएगा. इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस किए गए. पर्पस है डिस्क्लोजर. सारी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होना चाहिए, जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके. तीसरा पिलर है मार्केट डिसिप्लिन, जिसमें डिस्क्लोजर के ऊपर मेन फोकस किया गया है. डिफरेंट वेज जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड हो, आरबीआई तक पहुंच जाए. इसका मेन पर्पस है कि बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी आए. ने देखा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए नॉर्म्स बनाने के बारे में आरबीआई ने स्ट्रेस किया है, उनका डिस्क्लोजर करने के बारे में स्ट्रेस किया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करने के बारे में भी प्रोवाइड किया गया है. आई होप फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी एस्पेक्ट टू डिस्कस और शेयर, यू कैन सेंड इट टू akagrawal99@gmail.com or contact me @9999422886. Thanks once again.